हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस नए ब्लॉग में। मैं आपका होस्ट, मैं आपका दोस्त अभिषेक स्वागत करता हूँ जर्नी ऑफ मिस्टर कोल के एक नए सफर में। और हम लोग फिलहाल पहुंच रहे हैं रेणुकूट, और रेणुकूट का रेलवे स्टेशन पार करने के बाद ये खूबसूरत सा ये व्यू आप देख पा रहे होंगे। और पिछले के सारे वीडियोस कैसे लगे आपको वो जरूर कमेंट करके बताएं। और प्लीज आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जो लेटेस्ट वीडियोस जर्नी ऑफ मिस्टर कोल का मिलता रहे। फिलहाल मैं आपको बता दूं, कि ये संडे का दिन है और यहाँ पे रेणुकूट में जो है वो मार्केट लगता है काफी ज्यादा। ये देख पा रहे हैं आप, यहाँ के लोकल वेंडर्स जो है सब्जी लेके आते हैं। और फिलहाल हम लोग चलते हैं और हिंडाल्को, मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाता हूँ विद रेणुकूट के साथ में ग्रासिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि बिरला जी का एक बहुत ही पुराना प्रोजेक्ट है। और इस रेणुकूट किसान, जिसको कि स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी ने कहा हुआ है, तो चलिए चलते हैं और रेणुकूट को आपको आज दिखाते हैं। ये सामने जो है आप हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का ये चौराहा आप देख पा रहे होंगे, लाल बत्ती सामने दिख पा रही होगी आपको, तो वो यहीं से जो है इंडस्ट्री को हम कवर करेंगे और आपको दिखाएंगे। चलिए चलते हैं। तो फिलहाल हम लोग घूम चुके हैं हिंडाल्को इंडस्ट्रीज की तरफ, सामने प्राइवेट लिमिटेड और ये सामने उनका ऑफिस। यहां से निकलने का रास्ता कहां से? यहाँ से बाहर एग्जिट है। हाँ, इस साइड को टर्न करना आगे। और ये सामने भी कॉलोनी है, चलते फिर थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। और इधर से निकल जाएंगे तो आप रेणुकूट की तरफ निकल जाएंगे,
मार्केट। देखिए गर्मी का समय है तो आराम से चलते। ये हिंडाल्को का प्लान टू कॉलोनी है और चलिए चलते हैं घूमते। अच्छा इधर मंदिर पे, इधर क्या है, मैंने भी बहुत ज्यादा देखा नहीं इस जगह को। चलिए चलते हैं और कहाँ क्या है। आई टाइप है, आई टाइप के क्वार्टर्स हैं सारे। और ये देखिए वहां से जी पूरा का पूरा बॉडी बिल्डिंग करते हुए। तो दोस्तों चला जाए और पहाड़ी पे चेक करते हैं यहाँ की कॉलोनीज को अच्छे से। ये सारे आई टाइप क्वार्टर्स हैं जैसा कि पहले मैंने आपको दिखाया। देखिए चढ़ाई देखिए, हिल टॉप पे बना हुआ है सब कुछ। ये इनकी कॉलोनीज है। चढ़ने के लिए भी ना आपको गाड़ी में जो है पूरा ताकत होनी चाहिए, अभी चढ़ पाएगा नहीं तो नहीं चढ़ पाएगा। मैं आपको सही बताऊं, मैंने भी अभी तक जो है हिंडाल्को कॉलोनीज को इतना अच्छे से देखा नहीं था कि कहाँ पे क्या क्या है। ये देखिए यहाँ पे उनके स्कूटर के गैरेज वगैरह भी बने हुए हैं और ये कॉलोनी है पूरा का पूरा पहाड़ पे बसा हुआ है। और ये उनका छोटा सा पार्क। चलिए चलते हैं घूमते हुए। सारे क्वार्टर जो है वो आई टाइप के हैं और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं जो हिंडाल्को से रहने वाले लोग हैं कि आई टाइप क्वार्टर जो है वो कैसे हैं क्या है, क्योंकि तो मैं तो जा नहीं सकता। अब चलिए चलते हैं देखते हैं। बहुत बहुत ऊंचाई है, देख पा रहे होंगे जैसे आप। बहुत ही खूबसूरत तरीके से बने हुए हैं जो कलर्स हैं यहाँ के, वेल मेंटेन्ड क्वार्टर्स। और ये सारे देख पा रहे हैं आई टाइप के क्वार्टर हैं, 1675 1669। तो आप सबको कैसा लगा ये वीडियो जरूर मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पिछले बार से ज़्यादा मैं वीडियोस जो है वो आपको कवर करके मैं दिखा सकूं। और बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे है नहीं इसके बारे में। अगर कोई भाई बंधु मुझसे जुड़ करके अपने इस हिंडाल्को कॉलोनी को और दिखाना चाहते हैं तो बिल्कुल दिखा सकते हैं, बता सकते हैं और मिल करके हम लोग एक वीडियो बना लेंगे उसके ऊपर। ये देखिए पूरा का पूरा ये पूरा हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का कार्बन डिपार्टमेंट जो कह लें, और बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है मुझे, बट आप लोग जरूर बताएं। ये सामने देखिए
चलिए चलते हैं इधर से कॉलोनी की तरफ, ज्यादा आपको दिखाते हैं। यहाँ पे जो है ये बस स्टॉप नंबर 10 है, जो भी जानते हो ये N टाइप क्वार्टर्स है, N221 से स्टार्ट होते हुए ये सारे क्वार्टर्स आप देख पा रहे होंगे, और बहुत ही वेल मेंटेन जो है यहाँ के क्वार्टर्स है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखकर। मैं बता दूं कि बिरला जी के इस प्लांट में जो कॉलोनी का जो निर्माण किया गया था वो बहुत ही पुराना निर्माण है, और लगभग तो 40 साल से ऊपर हो गया, 30-40 साल से ऊपर हो गया, तो बहुत ही सुंदर ये भव्य दृश्य। चलिए सामने चलते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसा कि सामने आप सब कुछ आप देख पा रहे होंगे, ये डालको रेणुकूट का ही मेन कैंपस कॉलोनी का एरिया है, और ठीक शॉपिंग के बगल से आप अंदर की ओर जाएंगे तो आप सब कुछ देख पाएंगे। और मेरे पिछले वीडियोस में भी आपने इसी जगह को देखा है, डालको का ये रेणुकूट का ये कॉलोनी कैंपस एरिया बहुत ही अच्छा है, और बहुत सारे व्यूज आए आप सबके, और मैं बहुत ही थैंक्स कहना चाहूँगा अपने सब्सक्राइबर को देखा, और मेरे पूरे जर्नी ऑफ इस्तकबूल के सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले वीडियो को लगभग 11,000 व्यूज आप सब के माध्यम से आए, और वो पिछला वीडियो आप जाकर के जरूर देखें इसी रेणुको इस कॉलोनी कैंपस का। फिलहाल सामने आप ये थिएटर देख पा रहे होंगे, सब कुछ है, और इस कैंपस के अंदर में आपको सारी सुविधाएँ जो हैं वो लगभग मिल जाती हैं। तो हिंडालको रेणुकूट के द्वारा जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर के लिए बहुत ही सारे काम जो है उन्होंने किया हुआ है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और पिछले वीडियोस को भी आपने देखा होगा। ये सब सारे क्वार्टर्स जो है और एच टाइप के जिसकी है मैंने इसको अच्छे से बनाऊँ। फिलहाल मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि यहाँ पे जो भी रेणुकूट के हिंडालको के जो कॉलोनी कैंपस एरिया, वहाँ पे सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा जो रूल्स एंड रेगुलेशन है बहुत ही टाइट है, तो बहुत जगह वीडियो बनाने में बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, तो इसलिए जो है बहुत ही थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में मैंने वीडियोस बनाई हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैंने तो इस खासकर इस कॉलोनी का बहुत ही अच्छे से वीडियो मैंने बनाया हुआ था, बट जब निकलते समय मैं निकला तो इसके एंट्रेंस गेट पे जो है वहाँ पे मुझे रोका गया, और रोकने के बाद जो है मेरे से सारे वीडियोस उन्होंने डिलीट करवा दिए। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हिंडालको के मैनेजमेंट से कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक खुला कैंपस है, और ठीक है सिक्योरिटी पर्पज़ से कुछ चीज़ें होती हैं जो सेंसिटिव होती हैं, बट जनरली आप कॉलोनी जाते हैं वहाँ को देखते हैं दिखाते हैं, और YouTube का एक माध्यम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है सबको देखने दिखाने के लिए। तो चलिए आगे मिलेंगे अगले सफ़र में, आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं अपने अगले सफर में।
अपने पहाड़ चढ़ेंगे, चढ़ते हैं पहाड़ी, बहुत स्टीप चढ़ाई है यहाँ की। थोड़ी आवाज़ में डिस्टरबेंस होगा आपको क्योंकि ये यहाँ का ऑफिस, सामने जो है आपको कार्बन इंडस्ट्री का ये रास्ता है, तो आप सब कमेंट करके जरूर बताते रहें कि कैसा लगा आपको ये एन टाइप के क्वार्टर्स, आई टाइप के क्वार्टर्स। मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, आप भी फर्स्ट, आप लोगों को तो बहुत ज़्यादा पता भी होगा इसके बारे में, जरूर कमेंट करके जरूर बताएं। क्वार्टर्स बहुत ही अच्छे हैं और कितने बेडरूम्स हैं, क्या है इसका जानकारी मेरे पास में नहीं है, तो आप लोगों के पास अगर जानकारी है तो आप ज़रूर बताएँ। चलिए चलते हैं यहाँ से, ये कॉलोनी तो मैंने आपको दिखाई दिया, ये बस स्टॉप नंबर 11 है, से होते हुए गुजरते हुए आपको दिख ही पा रहे हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, लगभग 40 डिग्री से 41 डिग्री का टेम्परेचर है, उसमें मैं जो हूँ आपके लिए ये पूरा वीडियो बना रहा हूँ, तो जरूर कमेंट करके बताएं। और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के बारे में अगर और भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है मेरे कुछ पुराने वीडियोस को भी आप देख सकते हैं और वहाँ भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल तो गर्मी का समय है और मौसम ऐसा ऐसा है फिलहाल, और अगर आप बारिश का समय अगर आप यहाँ आएंगे, देख पा रहे हो जैसा, अगर बारिश के समय अगर आप यहाँ पे आएंगे तो बहुत ही भव्य, बहुत ही और भी बहुत ही मनमोहक लगेगा आपको पूरा का पूरा। ये देखिए आटा चक्की, बहुत ही वेल मेंटेन सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, आटा चक्की, यहाँ का शौचालय, सब कुछ। और ये सामने ये ब्लू कलर की बिल्डिंग है, मुझे नहीं पता क्या चीज़ का बिल्डिंग है, पर फिर भी मैं देख करके आपको बताता हूँ। और ये छोटे छोटे जो क्वार्टर बने हैं ये भी हटपट टाइप के क्वार्टर्स हैं, जो कि आपको लगता है कि शुरुआत में हम लोग बने होंगे। तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे इस जगह से आगे बढ़ते हुए आपको दूसरी जगह आपको